किलोमीटर के नजदीक पहुंचेगी तो ये चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण और हम लोग इसको थोड़ा और ताकत देंगे ताकि ये पृथ्वी की कक्षा को छोड़ करके और ये चंद्रमा की कक्षा में गति करने लगे। यहाँ पर जब ये चंद्रमा की कक्षा में गति करेगा तो इसके साथ इसको घुमाने वाला प्रोपल्शन मॉड्यूल इस बार है, पिछली बार ऑर्बिटर था, तो यहाँ भी ये घूमेगा, कई दिनों तक घूमेगा, चंद्रमा का चक्कर लगाएगा और इस दौरान ये चंद्रमा के और नजदीक जाएगा। जब चंद्रमा के ज्यादा पास में जाएगा तो वहां पर एक प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होगा और जो हमारा चंद्रयान मुख्य है वो चंद्रयान जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको आप नजदीक से दिखा सकते हैं। इस चंद्रयान में ये नीचे की ओर, यहाँ आप दिखा सकते हैं अनुपम, नीचे की ओर ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये इसके साथ ये हमारा ऊपर वाला चंद्रयान चक्कर लगाएगा चंद्रमा का, है ना। और जब काफी नजदीक पहुंच जाएंगे अपने यान को हम लोग माने वहां पहुंचा देंगे चंद्रमा के पास, तो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग कर दिया जाएगा और सिर्फ ये लैंडर मॉड्यूल जो है वो चक्कर लगाएगा और ये लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के और नजदीक पहुंचने का प्रयास करेगा और हमारे वैज्ञानिक धरती से इसके स्पीड को माने गति को, चंद्रमा के चारों ओर घूमने की गति जो उसकी है उसको कम करते जाएंगे और हम लोग फिर धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर अगले माह यानी अगस्त 24-25 को इसको उतारेंगे। और इस लैंडर का नाम पिछले अभियान के जैसे ही इसका नाम विक्रम लैंडर रखा गया है, इस मॉड्यूल का जो ये हम लोगों का है उतरेगा जो वहां पर, और इसके अंदर एक लैंडर है, सॉरी रोवर है, रोवर वो माने ठीक इस तरीके से एक गाड़ी होती है जो वहां पर इस मॉड्यूल से निकलेगी, है ना, लैंड करेगी चंद्रमा की सतह पर और वहां पर इस में बहुत सारे कैमरेज और यंत्र लगे होंगे जो चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेंगे, वहां के तापमान का अध्ययन करेंगे, वहां पर पाए जाने वाले जो तत्व हैं किस तरीके के हैं, पानी के उपलब्धता की जांच करेंगे, वहां भूकंपीय गतिविधियों का पता लगाएंगे। चंद्रयान वहां पहुंच गया है, देख रहे हैं ना यहां पर। जी सर, वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम जी हाँ, कुछ क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण LVM-3M4 रॉकेट का चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है और उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त होते ही और उचित अभिवृद्धि प्राप्त होते ही चंद्रयान 3 को अंतरिक्षित कर दिया जाएगा। अभी पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष कर दिया गया है कि हमारे भविष्य के सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर अभियानों का रास्ता खोलेंगे। तो विद्यार्थियों, ये हम सब के लिए एक भारतीय होने के नाते एक बहुत बड़ा दिन है। हम उस चंद्रमा को, उस चांद को, उस चंद्रमामा को जिसको हम हमेशा से कहानियों में सुनते आए हैं उसको हम लोग छूने की कोशिश करेंगे आज के इस चंद्रयान तृतीय के प्रक्षेपण के द्वारा। और उम्मीद है जब आप और बड़े होंगे, पढ़ लिख करके वैज्ञानिक बनेंगे, तो आप और ग्रहों पर जाने के बारे में सोचेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, प्रार्थना सभा में विज्ञान सुनने से इतना ही। मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वो दो शब्द बताने की कृपा करें। बच्चे अपनी उंगलियां चलाते रहो, ठीक है, एक मिनट के लिए।